वीडियो पे क्या करते हैं आप? वीडियो में अपना ये कंटेंट है, ब्लॉग वगैरह, एक्सरसाइज वीडियो डालता हूँ। एक्सरसाइज कहाँ एक्सरसाइज? बहुत देखे बाबा को मुंबई में छाए हुए। अच्छा, मुंबई में छाए हुए हैं यूट्यूब वाले बाबा? बहुत छाए हुए हैं, बहुत छाए। अच्छा, किसका चैनल देख के आए थे यहाँ पे आप? कल तो हम आपका ही चैनल देख के आए। राजू बाबा के जो चैनल है, मेरा वीडियो है। तब आपके साथ दाढ़ी कम थी। नमस्कार, अभी हम यूट्यूब वाले बाबा के स्कूल पे आए हुए हैं। आज संडे का दिन है, अभी 9:30 बज रहे हैं। यूट्यूब वाले बाबा 10:30 तक आने वाले हैं, अभी घंटों का समय है। तब तक यहाँ आए हुए यूट्यूबर का कुछ जानकारी लेते हैं। लोग एड्रेस पता कर करके आ गए हैं। मेरा जो चैनल है राजू बाबा, उसपे सबसे ज्यादा पॉपुलर वीडियो एड्रेस वाला ही है। यहाँ का रास्ता बताया गया है, इसलिए वो ज्यादा वायरल हो गया है। यूट्यूबर है? कितनी साल उम्र है आपकी? मेरी लगभग 13। 13 साल की उम्र है और यूट्यूब के काम कर रहे हैं? हाँ। क्या चैनल का क्या नाम है? मेरा नाम अनुराग मौर्या है और मैं बिलोंग करता हूँ चक्रपुर कदीम। चक्रपुर कदीम? अच्छा। और मेरा जिला है रामपुर और तहसील है शाहबाद। शाहबाद? हाँ। शाहबाद से चल के आए। कितना दूर पड़ता है? लगभग 421 किलोमीटर दूरी है यहाँ से। तो आपने चैनल का नाम क्या बताया? अनुराग जी है, 787। अच्छा, तो सर्च करने पे आ जाता है? हाँ, जाता है फर्स्ट नंबर पे। आप यूट्यूब से कमा पा रहे हैं? अभी तो नहीं सर, मेरा जो चैनल था मोनेटाइज हो गया था और डिमोनेटाइज हो गया, तो इसीलिए मैं यूट्यूब वाले बाबा से मिलने आया था। मैंने वीडियो देखी थी और सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चनों का, तो मेरे काफी सारे क्वेश्चन हैं जो कि अब देखते हैं, मीटिंग होगी। हाँ, जो भी है होगी। तो पर्ची मिल गई होगी आपको? हाँ, मिल गई है जो भी है। तो पूछना ये था कि आपका चैनल क्यों डिलीट हुआ या किस तरह से ये? सर, जो कि मेरी डबल वीडियो, पता नहीं, मेरे को भी नहीं पता, डबल वीडियो पढ़ने कंटेंट आ गया, रिपीट कंटेंट आया, डिलीट नहीं हुआ। कंटेंट आया जिसकी वजह से आपका मोनेटाइजेशन कर दिया गया। मेरी इनकम भी हो गई थी $111 होगी। कैसे आप यूट्यूब पे क्यों आ गए इतनी उम्र में, पढ़ाई लिखाई की उम्र में? मन किया, मेरे दोस्त थे को जो कॉमेडियन, ऐसे ही मजे मजे में वीडियो बनाते थे इंस्टाग्राम वगैरह, यूट्यूब पे तो हल्के हल्के हम आ गए और यूट्यूब पर पॉपुलर होने लगे। पहली वीडियो मेरी थोड़ी 1K में गई थी, 2500 पे गई थी, तो मेरा नया घोंसला बड़ा, फिर मैं वीडियो डालना स्टार्ट कर दिया मैंने। आप कब से लगे हैं, कितने साल हो गए? 6 महीने हुए हैं अभी। 6 महीने हुए? 6 महीने में मैंने अपना चैनल ग्रो कर लिया, लगभग 8 महीने हो गए अब तो। क्या आप यूट्यूब पे ही काम करते हैं कि और भी प्लेटफॉर्म जो होते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम या? और मैं खाली यूट्यूब पे काम करता हूँ। यूट्यूब की अपना एक चैनल उठ जाए, उसके बाद उसी चैनल से सब उठा सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। नहीं, यूट्यूब वाले बाबा जी कहते हैं कि एक प्लेटफॉर्म पे निर्भर नहीं रहना है, हमें कई सारे प्लेटफॉर्म पे काम करते रहना है ताकि हमारा चैनल डिलीट हो या एक प्लेटफॉर्म पे हमें सक्सेस ना मिले, तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे वहाँ कामयाबी मिल सकती है। तो जो समझाते हैं, तो क्या यूट्यूब वाले बाबा का वीडियो नहीं देखते? देखते हैं सर, अब वीडियो बनाने के लिए टाइम की जरूरत होती है, मेरी पढ़ाई भी चल रही है। अच्छा, अच्छा। हाँ, पढ़ाई में 9th क्लास में हूँ इस टाइम। और वीडियो भी डालता हूँ चलते समय, टाइम मिलता है, जैसे घर के काम काज होते हैं जो भी कर रहा हूँ। हाँ, और वीडियो पे क्या करते हैं आप? वीडियो में अपना ये कंटेंट है, ब्लॉग वगैरह, एक्सरसाइज वीडियो डालता हूँ, जैसे अंकित बैनपुरिया भाई की। एक्सरसाइज कहाँ एक्सरसाइज? एक्सरसाइज करते हैं। और मेरे पिताजी की डेथ हो गई है, जिम्मेदारी ज्यादा आ गई है, दुख तो सबके ऊपर आता रहता है। आप भी हौसला मत हारिए, यूट्यूब पे आए हैं, यूट्यूब पे सक्सेस मिल जाएगी। यूट्यूब वाले बाबा जी अच्छी तरह सिखाते हैं, उनकी वीडियोस देखिए। उनके चैनल का नाम बता सकते हैं आप? यस, टेक चैंपियन सपोर्ट। बहुत बढ़िया, इनको पता है, मतलब देखते हैं। यहाँ कई लोग ऐसे भी होते हैं जो ऐसे ही चले आते हैं, एक दो वीडियो देखा और जल्दीबाजी उनको मची रहती है। देखिए, जल्दीबाजी नहीं मचनी चाहिए, हमें टाइम देना पड़ता है। यूट्यूब पे 1.5 से 2 साल आराम से रोज का एक वीडियो अपलोड करके समय देना चाहिए। लोग जल्दीबाजी करके आते हैं यहाँ पे। मैं पिछले संडे आया था तो काफी महिलाएं रोने लगती हैं। किसी के ऊपर मल लगा दो, अगर वो ना हो तो रोना तो आता ही है, कोई रो पाता है आंसुओं से, कोई अंदर अंदर घुटता रहता है, तो घुटना नहीं है हमको। हमको ये जान लेना है इसका सिस्टम क्या है। इसका सिस्टम यही है कि हमें इस पे टाइम देना पड़ेगा, 1-1.5 साल टाइम देना पड़ेगा, सिस्टम के साथ पूरी मेहनत के साथ देना पड़ेगा। और हमें, अगर हमारे पास 2-3 फोन हो तो 2-3 चैनल बना के हर पे एक्सपेरिमेंट करते रहिए। मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि जितने यूट्यूबर यहाँ है कोई बढ़िया कमा नहीं रहा है, क्योंकि लोग सीखे नहीं है। अगर सीखे होते तो कमाते होते तो यहाँ आने की जरूरत ना होती। यहाँ पे लोग सीख नहीं पा रहे हैं, कमा नहीं पा रहे हैं, और ऐसी दिक्कतें आ जाती हैं, टेक्निक दिक्कतें आ जाती हैं, उनको ठीक नहीं कर पाते, इसी वजह से यहाँ आए हुए हैं। तो जैसा कि भैया ने, छोटे भाई ने भी बताया कि उनका चैनल किस तरह से रीयूज कंटेंट में आ गया, और यहाँ आए हुए जितने भी लोग हैं कुछ न कुछ समस्या से घिरे हुए हैं। कितने ऐसे यूट्यूबर हैं जिनको समस्या का पता ही नहीं है, लेकिन करते जा रहे हैं और उनका चैनल ग्रो हो ही नहीं रहा है। तो
कह भी नहीं सकते कि हम मेहनत करें तब सक्सेस मिलेगी, पूरा टेक्निक के साथ मेहनत करने की जरूरत पड़ती है, इसीलिए इसमें थोड़ी दिक्कत होती है। हमारे देश में पढ़े लिखों की संख्या कम है, हर कोई बड़े कॉलेजों में जाके पढ़ नहीं पाया है, तो पढ़ नहीं पाया है तो कमा नहीं पा रहा है, इसकी वजह से दिक्कत आ रही है। तो यूट्यूब एक ऐसा ऑप्शन देश को मिला हुआ है कि इस पे मजबूरी है, लोग आके यहाँ पे लोग कमाना चाह रहे हैं, और कोई प्लेटफॉर्म है नहीं। टिकटॉक था वो बंद हो गया, और बहुत सारा प्लेटफॉर्म था वो बंद हो गया, तो यूट्यूब इस समय अच्छा माध्यम है। और यूट्यूब वाले बाबा जी सिखाने का काम करते हैं। यूट्यूब वाले बाबा जी से आपने क्या सीखा, मतलब अभी तक अगर उनसे सीखने की बात की जाए तो आपने उसमें क्या सीखा? तो मैंने अभी तक उनकी जो वीडियो देखी है, जहाँ तक वो मदद करते आए हैं लोगों की, और ऐसे मैं चाहता हूँ ऐसी मदद करते हैं, लोगों को घमंड हो जाता है बहुत से लोगों को, बड़े यूट्यूबर जो होते जो पैसे कमाने लगते हैं उनको घमंड नहीं है। यूट्यूब वाले बाबा जी को घमंड नहीं है, वो मतलब सब गरीबों को और असहाय चीज समझते हैं, क्योंकि वो जीरो से हीरो बने हैं तो वो चीज समझ पा रहे हैं। आप बताइए YouTube वाले बाबा के बारे में कुछ। मेरा नाम सावन मलिक और मैं चकरपुर का इनके साथ ही हूँ। जी हाँ, बिलोंग करता हूँ, तहसील सावन जिला रामपुर है मेरा। जी जी। और मेरा जो चैनल है सावन मलिक है, और ये चैनल मेरा रिमूव हो गया, मेरे से खुद हो गया था, तो मैं उस चैनल को सही कराने के लिए यहाँ पर आया हूँ बाबा जी से सॉल्व कराने के लिए, क्योंकि मैं वीडियो देखता हूँ, जाता जिन्हें फॉलो कर रखा है, सब्सक्राइब भी कर रखा है, क्योंकि जाता ये लोगों की परेशानियाँ हल करते नहीं रहते हैं, तो मैं सोचा शायद मेरी भी परेशानी हल होगी, मेरी उम्मीद है 100% होगी। हाँ होगी जरूर। जी जी जी। आप जी कहाँ से हैं? जी सर मैं आया हूँ मुरादाबाद। मुरादाबाद से चल के आया? हाँ जी मुरादाबाद से आया हूँ मैं। क्या क्या करते हैं आप अपने चैनल? जी वैसे मेरे को शौक गाने गाने का है, मैं लिरिक्स भी लिखता हूँ, गाने भी लिखता हूँ। घर वालों ने मेरे से बोला कि एक काम करो तुम घर से निकल जाओ यहाँ से, तुम्हारे इतनी मतलब लोग समाज में घर वाले सपोर्ट नहीं करते हैं। तो आपके चैनल का क्या नाम? जी मेरे चैनल का नाम है आर एन हिट फिल्म, वैसे मेरा नाम रोहित निगोतिया है। अच्छा। इस आर एन हिट फिल्म के नाम से मेरा अपना अपना सीक्रेट होता है चैनल के नाम के पीछे। हम जैसे मेरा नाम राजू बाबा है, तो मैंने नहीं रखा, मेरा पहले नाम कुछ और था, राजू गुप्ता किराना स्टोर, नाम ही नहीं सही था, तो फिर मैंने जब नाम बदला, मैं तो यूट्यूब वाले बाबा जी के पास आया, उन्होंने कहा नाम सही नहीं है, उन्होंने कहा बाबा जी बताइए, उन्होंने कहा आप सोच के बताइए, तो मैंने कहा राजू बाबा ठीक रहेगा, तो उन्होंने कहा ठीक रहेगा, तो वही चैनल बनाए और सब कुछ किए हैं। भैया कहाँ से आए हैं? फिलहाल मैं तो मुंबई से आया हूँ, बांद्रा। मुंबई से चल के आए बांद्रा से? हाँ, और परसों का आया हूँ, कानपुर रुका था, आज यहाँ पे होटल लेके रुका था। अच्छा अच्छा। हाँ किस लिए आए भैया जी? दरअसल हमारा जो पेज है वो थोड़ा उसमें प्रॉब्लम आ गया, वो दो बार मोनोटाइज हो रहा था तो रिजेक्ट हो जा रहा था, बस यही प्रॉब्लम, और उसमें कुछ और भी अदर इशू आ गए हैं, इसी कारण बस आए। तो बहुत देखे बाबा को मुंबई में छाए हुए। अच्छा मुंबई में छाए हुए हैं यूट्यूब वाले बाबा? बहुत छाए हुए हैं, बहुत छाए। किसका चैनल देख के आए थे यहाँ पे आप? फिलहाल तो हम आपका ही चैनल देख के आए, राजू बाबा के जो चैनल है, मेरा वीडियो है। तब आपके साथ दाढ़ी कम थी, फेस दो लोगों से कम था, तुम दो लोग थे, सरदार जी थे। सरदार जी राइट। तो वही देखा मेरे का, देखो उसको मैंने सारे स्क्रीन शॉट लिए, थैंक यू। अच्छा लगा यार तुम्हारी, और नहीं जितने भी यूट्यूबर फेसबुक हैं और सबको न्यूज देनी चाहिए, तो तभी लोग आ पाएंगे। नहीं मुझे पता नहीं था कि वो संडे को ही मिलते हैं। अच्छा, मुझे लग रहा वो एक बहुत बड़े आज के जमाने में सोशल मीडिया के किंग हैं, किंग और किंग है ही, बात उनके बारे में क्या कहते हैं, यूट्यूबर तो यही है। यूट्यूब वाले बाबा के दरबार में आए हुए हैं, दरबार लगेगा एक घंटे में, और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।